किधर आंखें बंद कर, आईज बंद करो। ये देखो पैंट खुली, चढ़ा ले इसको। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बहुत ही ज्यादा फायर कर दे रहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ओजस्वी फर्स्ट टाइम जा रही है अपनी नानी घर, और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम निकल पड़े हैं सुबह ही, क्योंकि 3-4 घंटे का रास्ता है तो हमें जल्दी ही निकलना पड़ता है। और मुझे मायके में छोड़ने जा रहे हैं ओजस्वी के दादा दादी, और ओजस्वी और मैं बैठे हैं आगे डैडी के साथ, क्योंकि हमारी गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, पूरे सामान से भरी हुई थी, और मम्मी बैठे थे पीछे और बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मम्मी की गोदी में भी सामान था, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी भरी पड़ी थी, इतना सामान था। तो हम बड़ी मुश्किल से बैठे थे और मेरे को आगे ही बैठना पड़ा फिर। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं 1 साल के बाद अपने मायके जा रही थी, और एक तरफ खुश भी थी और दुख भी था। दुख इस बात का था कि मेरे जो दादी जी थे वो एक्सपायर हो गए थे और मैं उनसे लास्ट टाइम मिल नहीं पाई, इस बात का दुख था। और ओजस्वी से भी नहीं वो मिल पाए, उनको दिखा नहीं सकी, क्योंकि मेरे दादी जी काफ़ी टाइम से बीमार थे, कम से कम 2 साल से वो बेड पर ही थे, उनका खाना पीना सब कुछ बेड पे ही होता था। तो अब लास्ट टाइम उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो खाना भी नहीं खा रहे थे काफ़ी टाइम से। तो अब भगवान को जो मंजूर था वो हो गया, और मैंने लास्ट टाइम तक उनसे बस वीडियो कॉल में ही बात करी है, और ओजस्वी को भी उन्होंने वीडियो कॉल पे ही देखा है, मैं ऐसे नहीं मिल पाई उनसे, बस इस बात का दुख है। चलो अब क्या करना, जो हो गया सो हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और तो ये था हमारे घर से आज सुंदर सुंदर व्यू, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो, और ताज़ा ताज़ा बर्फ़ पड़ी थी पहाड़ों पर, तो मैंने सोचा ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये है मेरी सिस्टर जो बीच रास्ते में ही हमें मिल गए, ये हमारा वेट कर रहे थे क्योंकि आगे इनको हमारे साथ ही जाना था। मैच हो दे सारे मैच नहीं मेरा कर रहा तो मिली हो ना कलर चला बंसवाइया ओ खोल दे तू टोपिया खड़ोइया नहीं मैं तो फोटोग्राफर है क्या है चलो हो गया अच्छा जी मारी मंगा और देख ए मामू ओ मामू पहुंच गए आ गई नहीं खराब अब तो बड़ी होगी है बड़ी होगी अब मम्मी वो नानी मैं शोई शोई पहुंच गई ओ मेरी ये पीछे मैं उठी नहीं पूरे रास्ते इस तो निकाल दे अम्मी बैग गुड़ुए चोन गर्मी लग गई दीदी का ओ तू को तो मेकअप करके चली आई ना इन रूम मम्मी मम्मा ने आई दिखी है किधर आंखें बंद कर आईज बंद करो किधर जा रही शादी में आज की शादी कहाँ आज कहाँ किसकी
किधर जा रही है? मैं शादी में। ये तो बार बार शादी में जाती रहती है। ये देखो पैंट खुली। चढ़ा ले इसको, चढ़ा इसको। वीडियो बन गई तेरी, नंगा घूम रहा है ये आदमी। शर्म तो है नहीं। ले तू गोल गोल, तू घूम घूम ना, अपनी अपनी फ्रॉक दिखा दादी के साथ, घूम जरा लिटली। अच्छा मम्मी डंडा लोने बोल रहे ना, डंडे डंडे ले आई दादी की। यही ठीक है ए, मम्मी इसी पार नहीं पौना, ऊपर इधर टूट गया। टूट के मत मत लिया, मत लिया ऐसी। लिटली घूम के दिखा दी अपनी फ्रॉक, शादी में जा रही अच्छे से। वाओ अच्छे से, अच्छे से। वाओ आओगे? नहीं ओ जी पुखली चढ़ा। खोती होगी लड़के की, बेइज्जती होगी। अब कहाँ छिपरा, अब देख कब से वीडियो बन रही थी तेरी, ये तो कट भी नहीं होगा। दीदी सीरियस होगी, मैजिंग वीडियो ऑन की थी, दीदी सीरियस होगी। पहले दादे कंडे फिर सीरियस होगी। चलो भैया अपने अपना फैशन दिखाओ, हम शादी में जा रहे। लिटल लिटलू ने गोल गोल घूम के दिखाई अपनी ड्रेस, आप भी गोल गोल घूमो। चलो चलो दाओ पल्ला तो ठीक कर लेना। चलो ठीक है, और अब मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। देखो बुआ अपने ससुराल से ही है, आज हम आपको होम टूर भी देंगे। होम टूर, होम टूर दें दें, बोलो बोलो। होम टूर देंगे? हाँ देंगे देंगे। दे ना, दिखा ना। मैं दे देता हूँ तो पहले मैं दिखाऊंगा, खलारन दिखाएंगे। मैं बताता हूँ, ये पूरा ऊपर का गांव, ये हमारा अकेला घर, ये एंट्रेंस देखो। फिर ये आता है ऐसा घर, ये किचन, वो टीन शेड। अब आपको अंदर का दिखाता हूँ, ये अंदर की पूरी किचन है, ये स्टोर, अंदर का भी था एक, वो भी दिखा देता हूँ। अभी अंधेरा, लाइट ऑन करता हूँ। हाँ अब देखो ऐसे, अब आपको कमरे दिखाऊंगा। कमरे कमरे का है, कमरे कमरे दिखाऊंगा। ये नाच रहा हूँ, कौन सा है वो, सोई है? अच्छा ये कमरा, ये दादी कमरा, ये वो सोई है। इतना एक गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम। हाँ खिलाड़े भी दिखाना पड़ता है। धीरे चलो दिखा के सिरा, आराम से चल, तू तो चल रहा है। खोल इसको, मॉडलिंग चली हुई है, मॉडलिंग गई है। ये किसका रूम है? ये मेरा रूम है। आपको होम टूर दिया, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बहुत ही ज्यादा वायरल कर देना, उससे बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। मैं वायरल हो जाऊंगा, मैं वायरल हो जाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू क्या, कल से चला है बेचारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पहुंच चुकी हूं अपने मायके में,
कल आए थे हम और मेरे को छोड़ने आए थे मेरे सास ससुर मम्मी डैडी, तो वो आज सुबह ही वापस चले गए। और कल जब हम यहाँ पहुँचे थे घर पे, तो उसके बाद मैंने आते ही थोड़ा शूट करा, उसके बाद हमने बिल्कुल भी शूट नहीं करा क्योंकि मैं अपनी गुड़िया के साथ बिजी होगी। और यहाँ पे ये सारे नंदू लिट्टू सारे थे, मेरी बड़ी सिस्टर दीदी वो भी आए हैं, हम सारे बिजी हो गए और उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला ब्लॉग शूट करने का। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूँ, ऐसे ही शुरू कर दिया मैंने लिटलू से, क्योंकि यहाँ पे मेरे मायके में चली है शादी, तो शादी में मैंने जाना नहीं था क्योंकि मेरी अभी बेटी छोटी है, इसलिए मैंने नहीं जाना था। तो घर पे हूँ तो वो सारे जा रहे थे शादी में, तो मैंने लिटलू को बोला, उसने फ्रॉक पहनी थी तो मैंने उसको बोला कि तू अपनी फ्रॉक दिखा अच्छे से। तो फिर ऐसे मैंने शुरू कर दिया ब्लॉग बनाना, तो वो मम्मी वगैरह सारे गए हैं, मम्मी भाभी दीदी और लिटलू वो गए हैं शादी में, और अभी हम घर पे हैं, मैं और मेरे साथ है नंदू। तो नंदू बोलता क्यों ना बुआ मैं ब्लॉग शूट करूं, तो मैंने बोला कर ले तू, तेरी मर्जी कर भाई ब्लॉग शूट करना कर। तो इसने आपको दिखाया है अपने घर का होम टूर, तो पता नहीं क्या दिखा रहा था, मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्या दिखा रहा था, चलो जैसा भी दिखाया उसने दिखा दिया। मैं भी कभी दूंगी आपको अपने घर का होम टूर, पर जब दूंगी जब आप बोल लोगे मेरे को कि हाँ हमें आपके मायके वाले घर का होम टूर चाहिए, तब मैं आपको होम टूर दूंगी, तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। नंदू ने अपना घर का होम टूर आज दिया है, तो कैसा लगा ज़रूर बताना नंदू को, जैसा किसने अभी बोला है कि मेरे ब्लॉग को ज़रूर वायरल कर देना क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी। इसने भाई सच में बहुत मेहनत करी, ऐसे ब्लॉग बनाते हैं, दौड़ दौड़ के इधर से दौड़ के आ रहा था उधर को जा रहा था कैमरा पकड़ के, मैंने इसको बोला धीरे चल, ऐसे थोड़ी ना ब्लॉग बनाते हैं, दौड़ दौड़ के आराम से दिखा, क्या दिखा क्या रहा है, खिला रहा पड़ा पूरे घर में तो ऐसे ऐसे ये दिखा रहा था। और अभी खेल रहा है गेम, हाँ वो भी देखो कितना बिजी है, और इसको कोई काम नहीं है। मुंह दिखा और गाल दे कितने फटे, कितना भैड़ा है, दोबारा दिखा मुंह दिखा। हेलो लड़की, हेलो, बताओ है? बताओ कैसे हो आप? ठीक हूँ। कल कहाँ जा रहे हो? कल हम धर्मशाला जाएंगे, बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है? हाँ मतलब मेरे पॉपिस भी रखे हैं एक एक। अच्छा क्यों जा रहे हो धर्मशाला पर? कल तो मेरा टेस्ट है। तेरे तो स्कूल ही नहीं है अभी, भैया की है इसकी है। शोश। अच्छी बात है, मैं अपने दोस्तों से मिल लूंगा। फिर आपको बुरा लग रहा है? आप तो डांस कर रहे हो, आप तो डांस कर रहे हो। ये कौन सा गाना है? ये है मेरा गाना, ये मेरा गाना है, मैंने इसको सिखाया था। तो ये इतनी सी थी ना, इतनी सी नन्ही सी मुन्नी, नन्ही का मुन्ना, नन्ही का मुन्ना, नन्ही का मुन्ना, नन्ही का मुन्ना, नन्ही का मुन्ना। इधर सोई है ये, कोई मत नंदु माता है यार इसके पास, तो क्यों उठे वो, ये तो ऊपर ही चढ़ जाएगी। पता है वो छोटी है, पागल नीचे रख का। अब इसको गिराएगा नीचे बैठ तो ये ऊपर चढ़ जाती है इसके, ये साथ में तो सोई है, ये ऐसे चली हुई थी अंधा धुंधी। और देख फिर से आ रही, रुक मेरे को धीरे बहन जी धीरे, ये सुती हो। और देख उठ गई, उठ गई। क्या बोली तुम दोनों को भेजा किसने? मैं अपनी मर्जी से आया, मेरा दिमाग, मैं अपनी मर्जी से हूँ। बोल रहा था मैं किट्टी पास जा रहा हूँ। किट्टी पास जा रहा है? बोला घूमने जा रहा हूँ, झूठी बोल दिया। तो